यम द्वितीया के त्योहार पर भगवान चित्रगुप्त के वंशजों ने की उनकी आराधना और सामूहिक रूप से की कलम दवात की पूजा। मालवा मिरर की विशेष रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महू राव पीतमपुर के चित्रांश काय समाज की ने दीपावली की दूज का कार्यक्रम हर्ष और उल्लास से मनाया। चूंकि इस समाज के लोग माँ सरस्वती के साधक होते हैं, इसलिए इस समाज में दूज के दिन कलम दवात की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। अब तक यह कार्यक्रम किसी भी स्थान पर कर लिया जाता था, पर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अनिमेश श्रीवास्तव के प्रयासों से भगवान चित्रगुप्त का मंदिर कोदरिया गांव में ही बन गया है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दूज आई है। इस कारण से दूज के कार्यक्रम में इस बार चार चांद लग गए। पंडित मनोज शास्त्री द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव और डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव ने भगवान चित्रगुप्त जी का अलग अलग पदार्थों से अभिषेक किया। इसके बाद हवन हुआ और उपस्थित जनों ने कलम दवात की पूजा करके कोरे कागज पर मंत्र लिखे। आज हुए इस कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अनिमेश श्रीवास्तव, सचिव ललित श्रीवास्तव, राजेंद्र निगम, श्री एस सी अस्थाना, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर योगिता जौहरी, दिव्या सक्सेना, अनिल वर्मा, सतीश श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। डॉक्टर अनिमेश श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कार्यक्रम के बारे में मालवा मिरर को बताया कि आज यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त भगवान का पूजन वर्षों कई प्रमाणित ग्रंथों के अंदर इसका उल्लेख किया गया है और आज के रोज विशेष करके चित्रगुप्त भगवान और कलम और लेखनी की पूजा की जाती है। और अभी तक एक पर्टिकुलर समाज ही इस चीज़ को करता था, बाकी जैसे जैसे इसकी जागृति होती जा रही है और उस हिसाब से सभी समाज जन इस चीज़ को आज की तारीख में करना शुरू किया है।